बिग बॉस सीजन 17 में बीते दिन कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिल रहा है। इस समय मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी के बीच वॉर देखने को मिल रही है। आयशा खान के आने के बाद से ही मनारा लगातार मुनव्वर पर अपनी भड़ास निकाल रही है और उन्हें खूब खरी खोटी सुना रही हैं। मनारा ने ना सिर्फ मुनव्वर बल्कि आयशा खान को लेकर भी कई ऐसी बातें बोली हैं जो अब कई दर्शकों के साथ साथ सेलिब्रिटीज को भी पसंद नहीं आई हैं। जी हाँ, मनारा जिस तरीके से मुनव्वर के साथ बिहेव कर रही हैं और उन्हें लेकर काफी कुछ उल्टा बोल चुकी हैं, उनकी ये हरकतें सेलिब्रिटीज को पसंद नहीं आ रही हैं, जिसमें एक काम्या पंजाबी है। काम्या ने बिना किसी का नाम लिए एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इसमें लिखा, हे भगवान, वीकेंड के वार का भुगतान अब फुल वीक करना पड़ेगा। ये औरत तो बस बोले ही जा रही है। जेलेसी और फ्रस्ट्रेशन तो है ही, ये ऑब्सेस्ड भी है। इसका हर जगह एक टॉपिक रहता है, बस मुनव्वर और आयशा, बस करो, बोर हो गए। इसके अलावा देवोलीना भट्टाचार्य ने भी मनारा को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उसमें उन्होंने मनारा के लिए लिखा, मनारा के पास से सिर्फ कमलिका वाइब आती है और उन्होंने इसे अभी तक बरकरार रखा है। वहीं बिग बॉस सीजन 9 की कंटेस्टेंट किश्वर मर्चेंट ने लिखा, साइको लवर अलर्ट। वहीं बिग बॉस सीजन 9 के कंटेस्टेंट और किश्वर मर्चेंट के हस्बैंड सुयश राय ने भी मनारा को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, बिग बॉस के इतिहास की सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट मनारा चोपड़ा। वो मुन्ना के बारे में घटिया बातें बोल रही हैं। वो कैसे उसकी अच्छी चीजें भूल सकती हैं? ब्रेनलेस पर्सन जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इसके अलावा सुयश ने तो मनारा को पापी गुड़िया तक का टैग दे दिया। वेल, इसके अलावा भी कई सारे फैंस के भी रिएक्शन सामने आए। अगर आप भी बिग बॉस सीजन 17 को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मनारा चोपड़ा का गेम आखिर कैसा लग रहा है। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।